लोग नष्ट हो जाएं, इस शेर को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले, कुर्सी मिले। दिसंबर 1992 से कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए आरएसएस के 1200 प्रशिक्षित कैडरों को मिलाकर एक सेना बनाई गई। किसी भी राज्य के एजेंसी को इसकी भनक भी नहीं लगी। इस गठन को लक्ष्मण सेना का नाम दिया गया और जो व्यक्ति इसका संचालन कर रहे थे उनका नाम था रामजी गुप्ता। उसी समय तत्काल जो है लक्ष्मण सेना का गठन हुआ और उसका राष्ट्रीय प्रमुख मैं ही रहा और उसका जो शेषावतार नारा था। सब लोग तो लोगों को फिर उत्साहित करने में लगे, पहले मना करने में, जब ये सब शुरू हो गया तब फिर सब लोग जो अपने आप को रोक नहीं पाए। केवल आडवाणी जी ही बहुत दुखी थे। जी हाँ, उन्हीं के बारे में मैंने सुना। केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी, मेरा तो ऐसे जैसे आप बैठे हैं जी, कि बाद में उन्होंने हमको बुलवाया तो डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान थे, वही जानते थे मैं कहाँ मिलूंगा, किस टाइम कहाँ रहूंगा, वही जानते थे सब। पांच लोग ही सारी उसको जानते थे, छठवां व्यक्ति कोई नहीं जानता। अच्छा, ऐसा क्यों था? ऐसा था, देखिए छठवां जानने का मतलब कुछ नहीं हो पाता, छठवां जानने का मतलब कुछ नहीं हो पाता। और कहीं से कोई आदेश नहीं था। आपको तो दो नाम पता है जी, है ना, हमने अपना नाम आपको बता ही दिया जी। दुर्ग सिंह चौहान जी थे जी, और शंभुनाथ जी थे जी। ऐसे ही इसमें एक नाम चंपत राय जी का है जी। तो ऐसे ऐसे ही सारे लोग जो लक्ष्मण सेना बनी थी जी, व्यवस्थित शेषा अवतार के पीछे बैठे हुए जी, ये नहीं गए जी। इनको कासम था कि जब शेषा अवतार का नारा लगेगा और इसको हम लगाएंगे तभी जाना है जी। तो फिर बाद में वो लोग भी उतावले हो गए और नारा देने के लिए मजबूर करने लगे, तो नारा दे दिया गया। वो लोग 1200 लोग पहुंच गए, पूर्ण व्यवस्थित थे जी। उसमें फिर जैसे आपको पानी की जरूरत है तो उनके पास बाल्टी में पानी था जी। ऐसे ऐसे सारी थी। और एक एक टुकड़ियों को एक एक काम सौंपा गया था, वो सब बखूबी अपना काम जी। ये क्या हो रहा है, ऊपर के जितने शीर्षस्त अधिकारी नेता थे किसी को पता नहीं था कि क्या हुआ और कहां से कैसे क्या हुआ, लक्ष्मण सेना के विषय में किसी को पता नहीं। अच्छा, तो तत्काल ऐसे ही ये बन गया जी। दो दिन और फिर वो ज्ञान डे की जो घटना है वो हम लोगों के सामने थी। गोली चलने के बाद उस समय भी पूरा अयोध्या सूना हो गया था जी, सारी फोर्स हट गई थी। आपके पास अगर औजार होते तो उस समय 91 में ही गिरवा सकते थे आप। अच्छा, गिर जाता। और वही कमियां इस बार ईश्वर ने दूर किया। वैसे इरादे इतने नेक भी नहीं थे। जिस तरीके से इस संगठन का गठन किया गया और रामजी गुप्ता ने जिस गुप्त तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया वह उसके दिमाग में चल रहे भयानक षड्यंत्र को दिखाता है। वास्तव में लक्ष्मण सेना के गठन के साथ ही बाबरी मस्जिद के गिरने की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी।
राम जी गुप्ता कहते हैं किया जो सब लोग कह रहे थे वो उन लोगों ने भी किया। सब लोग तो लोगों को फिर उत्साहित करने में लगे, पहले मना करने में, जब ये सब शुरू हो गया तो फिर सब लोग जो अपने आप को रोक नहीं पाए। केवल आडवाणी जी ही बहुत दुखी थे। जी हाँ, उन्हीं के बारे में मैंने सुना। केवल लाल कृष्ण आडवाणी जी, मेरा तो ऐसे जैसे आप बैठे हैं जी। फिर बाद में उन्होंने हमको बुलवाया कि तो डॉक्टर दुर्ग सिंह चौहान थे, वही जानते थे मैं कहाँ मिलूँगा, किस टाइम कहाँ रहूँगा, वही जानते थे सब। पाँच लोग ही सारी उसको जानते थे, छठवां व्यक्ति कोई नहीं जानता। अच्छा, ऐसा क्यों था? ऐसा था, देखिए छठवां जानने मतलब कुछ नहीं हो पाता, छठवां जानने मतलब कुछ नहीं हो पाता जी। और कहीं से कौन कौन थे? कोई आदेश नहीं था जी। आपको तो दो नाम पता है जी, है ना, हमने अपना नाम आपको बता ही दिया जी। दुर्ग सिंह चौहान जी थे जी, और शंभुनाथ जी थे जी, ऐसे ही इसमें एक नाम चंपत राय जी का है जी। तो ऐसे ऐसे ही लोग जी। अच्छे जी, और हाँ, इस बीच में जब तक ये सारे लोग जो लक्ष्मण सेना बनी थी जी, व्यवस्थित शेषा अवतार के पीछे बैठे हुए जी, ये नहीं गए जी। इनको कारण था कि जब शेषा अवतार का नारा लगेगा और इसको हम लगाएंगे तभी जाना है हमें जी। तो फिर बाद में वो लोग भी उतावले हो गए और नारा देने के लिए मजबूर करने लगे, तो नारा दे दिया गया। वो लोग भी 1200 लोग पहुंच गए, पूर्ण व्यवस्थित थे जी। उसमें फिर जैसे आपको पानी की जरूरत है तो उनके पास बाल्टी में पानी था जी, ऐसे ऐसे सारी। और एक एक टुकड़ियों को एक एक काम सौंपा गया था, वो सब बखूबी अपना काम जी। ये क्या हो रहा है, ऊपर के जितने शीर्षस्थ अधिकारी नेता थे किसी को पता नहीं था कि क्या हो रहा है और कहाँ से कैसे क्या हुआ, लक्ष्मण सेना विषय में किसी को पता नहीं। अच्छा, तो तत्काल ऐसे ही ये बन गया जी, दो दिन में। और फिर वो क्यान डे की जो घटना है वो हम लोगों के सामने थी, गोली चलने के बाद उस समय भी पूरा अयोध्या सूना हो गया था जी, सारी फोर्स हट गई थी। आपके पास अगर औजार होते तो उस समय 91 में ही गिरवा सकते थे, गिर जाता। और वही कमियां इस बार ईश्वर ने दूर किया उसे। राम जी गुप्ता बताते हैं कि किस तरह उन्हें माता टीला पर बुलाया गया, जहां सभी बड़े नेताओं को बाबरी विध्वंस के दूसरे दिन गिरफ्तारी के बाद एक सरकारी रेस्ट हाउस में रखा गया था। यहां हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि कैसे गुप्त रूप से इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन जन्मभूमि। राम जी गुप्ता बताते हैं कि नेता यह भी जानना चाहते थे कि ऑपरेशन जन्मभूमि के संबंध में कैसे क्या हुआ। इस समय महाराज परमहंस जी जीवित थे, खाचा जब गिरा है जी, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जी। तो उनसे वहां से पूछा गया कि भाई ऑपरेशन जन्मभूमि जो है जी, इसकी जानकारी चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि राम जी गुप्ता ही बता सकते हैं और हम ये पूरी बात नहीं बता। तो ये हुआ कि किसने इनको ले करके
जिसको आप मानी सिंगल जी जी आडवाणी जी उमा जी उन्होंने क्या पूछा आपसे जी ऑपरेशन जन्मभूमि के संबंध में कि कैसे क्या हुआ जी इसका नाम किसने दिया ऑपरेशन जन्मभूमि क्या ऑपरेशन जन्मभूमि ऑपरेशन जन्मभूमि उसी समय सुधा मलैया और डॉक्टर स्वराज गुप्ता राम जी के अनुसार सभी लोगों ने कलंक की निशानी को मिटाने में सहयोग किया था और लक्ष्मण सेना भी उनसे पीछे नहीं थी। राम जी के अनुसार कलंक को मिटाने में सबका सहयोग हुआ। लक्ष्मण सेना ने किया जो सब लोग कर रहे थे, वो उन लोगों ने भी किया। यहाँ पर राम जी गुप्ता ने सबसे धमाकेदार खुलासा किया कि बाबरी मस्जिद को गिराने का श्रेय लक्ष्मण सेना का ही है। राम जी ने कहा, अगर लक्ष्मण सेना समय पर नहीं पहुंचती सहयोग करने के लिए तो फिर 91 की तरह हो जाता, नहीं टूट पाता। ये श्रेय लक्ष्मण सेना को जाता है। ये है कि लक्ष्मण सेना जैसे 4 लाख की भीड़ थी, अगर लक्ष्मण सेना समय पे नहीं पहुंचती सहयोग करने के लिए तो फिर 91 की तरीके हो जाता, नहीं टूट पाता। अच्छा, अगर लक्ष्मण सेना नहीं होती, नहीं होती तो जैसे 90 में वो गोली कब चलाई थी उन्होंने, 90 में 2 अक्टूबर, तो ऐसे ही फिर अधूरा रह जाता वहां। ये श्रेय लक्ष्मण सेना को जाता है। 50 लोगों की 24 टोलियां थी, 24 मतलब 1200 हो गई थी। तो इन सारे जितने भी लक्ष्मण सेना सबको पता था कि ये जो कलंक है इसको हटा देंगे, तैयारी अच्छा कोई तैयारी की थी। हम पहले नहीं जाएंगे, हम पहले नहीं जाएंगे। हाँ, तो किस तरीके से, क्या किस तरीके से, जब कार सेवक जो है को रोकेंगे, कार सेवक नहीं तो उसके बाद हम कार सेवक की मदद करेंगे। वो नारा मतलब जो बताया था जैसे था होगा वो बोलेंगे, उसको कोई टाइम को लेके था कि इस टाइम बोलेंगे या कुछ? उसको खाली 3 बार हमको बोलना था बस। अच्छा, लोग नष्ट हो जाएं इससे इनको कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले।